हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पनी शफक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। आई एम श्वेता। सो कैसे हो आप सब लोग? एंड मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे हो और अब सब लोग तो सेफ है, घर पे हैं, हाँ कि नहीं? मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे हो आप सारे लोग घर पे, प्रिपरेशन कैसी चल रही है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करते हैं, हम सब्सक्राइब कर लेते हैं और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देते हैं ताकि आपकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जल्द से जल्द। सो यहाँ पर देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। नेशनल पार्क्स ऑफ आंध्र प्रदेश पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ते हैं हम नेशनल पार्क्स को? ट्रिक्स के साथ पढ़ते हैं। ऐसे ही आज भी हम ट्रिक्स के साथ पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क्स को, राइट? सो सबसे पहले हम नेशनल पार्क्स पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, अभी आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़े बेसिक चीज़ें जो है जान लेते हैं। सो आंध्र प्रदेश आपका कहाँ पर है? साउथ इंडिया में है, हाँ कि नहीं? और अभी मुझे बताना कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है? सारे लोग क्या करेंगे मुझे फास्ट, एवरीवन जो भी देख रहा है ना नीचे कमेंट करके बता देना कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है जल्दी। एवरीवन शुड कमेंट, जो भी देख रहा है, एक भी बच्चा हो या कितने भी बच्चे हो, जो भी देख रहा है मुझे कमेंट करके बताना कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, एवरीवन फास्टली। सो मैं ही बता देती हूँ, अभी देखो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती, राइट? अभी नेक्स्ट क्या होता है, आंध्र प्रदेश की सीएम कौन है? अभी एवरीवन क्या करेंगे, सारे लोग कमेंट करो नीचे, एवरीवन शुड कमेंट। आपको भी प्रैक्टिस हो जाता है इससे, समझ रहे हो ना, याद भी हो जाता है आंध्र प्रदेश की सीएम कौन है जल्द से जल्द बताना। सो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की सीएम कौन है, आपका जगन मोहन रेड्डी यहाँ पे सीएम हो जाता है आंध्र प्रदेश का, हाँ कि नहीं? सो आप भी एक बार नीचे कमेंट कर देना, आप मैंने मेरे बोलने के बाद भी आपको पता चला देन भी कमेंट कर दो। सो आपको एग्जामिनेशन में रिवाइज भी हो जाता, याद भी आ जाता एग्जामिनेशन के लिए, हाँ कि नहीं? सो यहाँ पे गवर्नर, सारे लोग कमेंट कर दो अभी गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश का जल्दी करना। आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन हो जाता है यहाँ पे, एवरीवन कमेंट। सो यहाँ पे गवर्नर जल्दी बता देना सारे लोग। सो मैं वेट कर रही हूँ, सारे लोग कमेंट करो जल्दी। सो यहाँ पे गवर्नर कौन हो जाते हैं, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। विश्वभूषण हरिश्चंद्र जो है आंध्र प्रदेश का क्या हो जाते हैं, गवर्नर हो जाते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नेशनल पार्क्स की ऑफ आंध्र प्रदेश की। सो पहले हम क्या देखते हैं, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जो एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1989 में ये जो है आपका एस्टैब्लिश हुआ था। और ये नेशनल पार्क के अलावा ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, समझ रहे हो ना, ये नेशनल पार्क भी है और क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसकी जो लेंथ है ना कितना है, 353 स्क्वायर किलोमीटर्स है इसकी जो लेंथ है, समझ रहे हो ना। और रिसेंटली यानी 2010 में क्या हुआ, शेषाचलम हिल्स को भी बायोस्फीयर रिजर्व बोल के गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ किया। और जो शेषाचलम हिल्स है इसी के अंडर यानी श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क के अंडर ही अंडर आ जाती है, समझ रहे हो ना। और ये नेशनल पार्क में ना बहुत सारे वाटरफॉल्स भी है, समझ रहे हो ना। एंड इसकी लोकेशन कहाँ पर आ जाती है, लोकेशन इसका चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट एंड खड़पा डिस्ट्रिक्ट दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ती है, ये समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो लोकेशन देख लेते हैं इसका। सो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का मैप दिख रहा है ना आपका इस तरह जो है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है नेशनल पार्क पड़ती है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा आता है, ये आपका पापिकोंडा नेशनल पार्क जो है यहाँ पे आ जाता। ये कब एस्टैब्लिश हुआ आपका, 1978 में ये जो आपका एस्टैब्लिश हो गया, हाँ कि नहीं। सो ये नेशनल पार्क जो है यहाँ पे जो साउथ इंडिया में यानी आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी रिवर है वहाँ से ना
ये दिख जाता है, ये एक्चुअली माउंटेन यानी हिल्स के ऊपर, पापी कोंडा, कोंडा का यहाँ पे मतलब होती है हिल्स, यानी गोदावरी से हम देखते हैं तो ये पापी कोंडा नेशनल पार्क जो है हमको दिख जाता है, समझ रहे हो ना। और इसको ना गवर्नमेंट ने कैसे रिकॉग्नाइज किया, इसको इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी बोला गया, सॉरी बर्ड सेंचुरी नहीं, बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी का जो है बोला गया है इसको, साइड राइट, समझ रहे हो ना। सो आपको पता है ना जो फेमस पोलावरम प्रोजेक्ट है ना आपका, पोलावरम प्रोजेक्ट तो किसको नहीं पता है, सपोज़ वो कंप्लीट हो गया ना तो क्या होता, ये नेशनल पार्क के थोड़े पास जो है उसमें चले जाते हैं, तो इसका जो है नुकसान हो जाएगा, राइट समझ रहे हो ना। नेक्स्ट नेशनल पार्क देखते हैं आपका, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट तो है ही नहीं, यहाँ पे आ गया, देखो स्लाइड थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो थर्ड नेशनल पार्क आपका कौन सा हो जाता है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है। सो ये आपका कब एस्टैब्लिश हुआ था, 2005 में एस्टैब्लिश हुआ, और ये जो है इसकी जो लेंथ है कितना है, 2.4 स्क्वायर किलोमीटर्स है, समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा है ये। सो यहाँ पे लोकेशन देखते हैं, क्या है लोकेशन इसका, कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये राजीव गांधी नेशनल पार्क। और इसको ना और एक नाम भी है, इसको रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोलते हैं, समझ रहे हो ना सारे लोग, रामेश्वरम नेशनल पार्क या राजीव गांधी नेशनल पार्क एक ही होती है, राइट। सो हमारे ये आंध्र प्रदेश में ओनली 3 नेशनल पार्क है, ओनली 3 ही है। सो हम क्या करते हैं, अभी 3 तो हमने पढ़ लिया, इसका ट्रिक देखते हैं, चलो। सो यहाँ पे ट्रिक देखो, अभी ट्रिक देखो, हमने क्या किया, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क को वेंकटेश्वरा मान लिया, पापीकोंडा नेशनल पार्क को पापी बोल दिया, और राजीव गांधी नेशनल पार्क को हमने राजीव मान लिया। सो अभी ट्रिक देखते हैं, चलो। अभी आंध्र प्रदेश में आप सब लोगों को पता है ना तिरुपति जो है टेंपल है, और उसके जो गॉड रहते हैं उस उनको बोलते हैं हम क्या, वेंकटेश्वरा गॉड बोला जाता है। और यहाँ पे ट्रिक देखो, सो एक पर्सन है, सो वो तिरुपति जो है आना चाहा क्योंकि वो वेंकटेश्वरा गॉड से दर्शन लेना चाहता है, और उसने बहुत, वो बहुत बड़ा पापी है, यानी पाप क्या, तो एक्सक्यूज के लिए क्या गॉड के पास आ गया अभी तिरुपति। यहाँ पे फिर से समझते, यहाँ पे देखो तिरुपति को आया वेंकटेश्वरा गॉड से वर्शिप करने के लिए, वो बहुत बड़ा पापी है, सो क्या गया उसने, अपने फ्रेंड राजीव गांधी को भी साथ में लेके आया, समझ रहे हो ना। यहाँ पे ट्रिक समझो, तिरुपति आया है वेंकटेश्वरा गॉड को दर्शन करने के लिए, एक पापी है वो बहुत बड़ा, और अपनी फ्रेंड राजीव गांधी के साथ आया है, समझ रहे हो ना। सो हमारा ट्रिक हो जाता है यहाँ से, आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, आया होगा, होप करती हूँ ऐसे। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है ना नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, उसका मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी, समझ रहे हो ना। सो विद दिस आई रैप अप, अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो क्या करते हैं, लाइक कर दे हो, इससे क्या होता है मुझे मोटिवेशन मिलता है, और शेयर करते हो तो हमारा चैनल जल्दी ग्रो हो जाता है, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हमारे जो चैनल में नए नए वीडियोज़ आ जाते हैं वो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, बेल आइकॉन तो ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।